हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर ABS में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS Ntorq रेस एडिशन जो BS6 वेरिएंट है उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएं। और ऐसे ही बाइक और स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों शुरुआत करेंगे गाड़ी के डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Ntorq रेस एडिशन में जो है ग्राफिक्स जो हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो Ntorq 125 की ब्रांडिंग करी गई है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब टाइप के मिलते हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ। यहाँ पे दोस्तों जो हैंडल बार क्वालिटी है काफ़ी बेहतर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल और जो हॉर्न का बटन है वो, थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर फिनिशिंग भी प्रोवाइड की गई है। और बात करी जाए इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। फीचर लोडेड 125cc सेगमेंट में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल Ntorq रेस एडिशन का है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, इको और पावर मोड की लाइटनिंग, ये सारा कुछ फीचर मिलता है। बाकी आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो गाड़ी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू। कॉल अलर्ट गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा और नेविगेशन फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड, 0 to 60 लैप टाइमर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। यहाँ नीचे की तरफ आप मोड्स भी सेट कर सकते हो और नीचे देख सकते हैं 125 रेस एडिशन की ब्रांडिंग। राइट हैंड साइड हैंडल बार में इंजन किल स्विच, हजार्ड लाइट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का कंट्रोल मिलता है। थ्रॉटल कंट्रोल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर मिलता है ये ब्लैक कलर में मिलता है, नॉर्मल ब्लैक कलर, कोई भी बॉडी कलर्ड यूनिट नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट के टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100x80 के यहाँ पे आपको 12 इंचेस ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। TVS के रेमोरा टायर्स हैं और जो डायमंड कट अलॉय व्हील आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर में। बाकी जो पेटल डिस्क मिलता है आपको फ्रंट में 220mm का, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करेगी Ntorq में। और सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी गाड़ी में आपको मिल जाती है। ट्यूबलेस टायर की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। और फ्रंट का मडगार्ड है रेड और ब्लैक कलर की आप देख सकते हो फिनिशिंग। और बात करी जाए हेडलैम्प यूनिट की तो फुल्ली LED हेडलैम्प है, काफ़ी ब्राइट लाइट एमिट करती है और LED का DRL आप देख सकते हो। साइड की तरफ 125 के रेस ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। और बात करी जाए यहाँ लेगरूम वाले एरिया की, फ्लोर बोर्ड वाले एरिया की, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे। TVS की ब्रांडिंग दी गई है और बाकी यूटिलिटी हुक भी आपको मिल जाता है सामान कैरी करने के लिए। आगे की ओर दो हुक मिलते हैं आपको, काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर है। और यहाँ पे की इंसर्ट एरिया आप देख सकते हो और चाबी का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, काफ़ी बेसिक सा नॉर्मल चाबी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सीटिंग की बात करें तो दो लोग बहुत ही आसानी से बैठ सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको Ntorq रेस एडिशन में मिलती है। जो क्वालिटी है स्टिचिंग की, जो थ्रेड की जो स्टिचिंग है रेड कलर में, Ntorq रेस एडिशन को काफ़ी सूट करती है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये प्रोवाइड करेगी। पीछे जो Ntorq 125 रेस एडिशन की ब्रांडिंग देख रहे हैं, हर जगह आपको Ntorq की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एक्सटर्नल फ्यूल लीड मिलता है आपको, फ्यूल टैंक जो है 5.8 लीटर्स का मिलता है इसमें। और गाड़ी से आप माइलेज ईजिली आप 40 से 45 किलोमीटर तक की अचीव कर सकते हो। गाड़ी की जो फुल टैंक रेंज है वो आपको मिल जाती है अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स इन वन गो। बाकी अगर बात करी जाए फुटरेस्ट वाले एरिया की तो यहाँ जो फुटरेस्ट है ये अलॉय मटेरियल का बना हुआ है। बाकी आप एग्जॉस्ट की फिनिशिंग आप देख सकते हो, CVTi की ब्रांडिंग है। और पीछे की साइड जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी आपको मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। पीछे का जो लाइट आप देख रहे हो, पीछे भी LED टेल लैंप आपको मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लाइट है पीछे का। पीछे की टायर प्रोफाइल की बात करें तो 110, 80 और 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको मिलते हैं। पीछे और आगे दोनों का जो टायर प्रेशर है वो 24 PSI के आसपास है। और बाकी आप देख सकते हो पीछे एग्जॉस्ट की फिनिशिंग। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में 155mm का मिलता है जो डेली सिटी राइड यूज़ में काफ़ी बेहतर है। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको BS6 इंजन मिलता है जो एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 3-valve 125cc FI इंजन है जो 9.4 PS का मैक्स पावर जनरेट करती है और 10.5 Nm का मैक्स टॉर्क।
पावर और टॉर्क के मामले में इस गाड़ी में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा पावर मिल जाता है इसमें। बाकी आप पीछे का लाइट आप देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप बूट को एक्सेस करना चाहते हो तो पीछे की साइड चाबी लगा के यहाँ पे बूट एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है, 22 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे OBD सिस्टम आप देख सकते हो, यहाँ पे बूट लाइट भी आपको गाड़ी में मिलती है और चार्जिंग सॉकेट भी आपको गाड़ी में मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस, जो कोलकाता का ऑन रोड प्राइस है उसके बारे में। ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिलेगी 98,365 रुपीज़ में और एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का है 78,280 रुपीज़ कोलकाता की। और अपने सिटी में प्राइस पता करने के लिए आप अपने नियरेस्ट जो TVS डीलरशिप हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी आपका कोई सवाल है अगर तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, एंटॉर्क रेस एडिशन आपको क्यों लेना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क बहुत ही बेहतरीन है। क्रूजिंग स्पीड गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। टॉप स्पीड इज़ अराउंड 95 किलोमीटर पर आवर, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। स्पीडो कंसोल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन 125cc सेगमेंट। ऑल टेरेन कैपेबिलिटी है। इसके पार्ट्स जो हैं ईजिली अवेलेबल हैं TVS के सेंटर में और जो रीसेल वैल्यू है वो भी बहुत बेहतर है। बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।